सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चैप्टर नंबर वन हमारे जो चल रहा है उसमें अगला टॉपिक है जल। देखिए जल जो पृथ्वी पर पाया जाता है लगभग पृथ्वी की सतह पर 75% जल उपस्थित है। इस जल में अधिकांश भाग खारा पानी है जो कि लगभग 97% है। 97 समुद्रीय जल या खारा जल, लवणीय जल जिसे हम कह सकते हैं। इसी प्रकार इस 75% जो है टोटल, उसका 97% तो खारा पानी है, 2% जल ये पहाड़ों पर बर्फ के रूप में सदैव जमा रहता है। लगभग 2% ऐसा है जो ऊंचाई वाले स्थानों पर पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ के रूप में हमेशा जमा रहता है, और केवल 1% जल ऐसा है जो नदियों में, झरनों में, झीलों में और भूमिगत जल जल के रूप में हमारे पास पहुंचता है। आए बात समझ में? मतलब हम जो उपयोग करते हैं मुख्य रूप से वो इस 1% जल का उपयोग हम कर पाते हैं। ये 97% पानी जो खारा पानी है, समुद्रीय जल है, ये हमारे लिए उपयोग का नहीं है, बेकार है। ये 2% पानी जो पहाड़ों पर बर्फ के रूप में सदैव जमा रहता है, ऊंचाई पर हमेशा ठंड वहाँ पर होती है, माइनस में टेम्परेचर होता है और ये पानी हमेशा वहाँ जमा रहता है। इसी प्रकार 1% पानी है जो केवल नदियों में, झरनों में, तालाबों में, झीलों में और भूमिगत जल के रूप में हमारे लिए उपयोग का होता है। तो इतनी बड़ी जो मात्रा है वो एक तरह से व्यर्थ है, बेकार है, हम सिर्फ इसका उपयोग कर पाते हैं। और इसीलिए हमें जल का उपयोग ऐसे करना चाहिए, ऐसी मित व्ययता से करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये जल, भूमिगत जल, नदियों का जल उपलब्ध हो सके। इसका दुरुपयोग हमें नहीं करना चाहिए। जबकि विभिन्न क्षेत्रों में हम देखते हैं कि इस जल का उपयोग, दुरुपयोग जिसे हम कह सकते हैं, वो किया जाता है। पृथ्वी पर एकमात्र जल एक ऐसी चीज है जो तीनों अवस्थाओं में उपस्थित है। मतलब ये द्रव के रूप में भी पाया जाता है, गैस में, गैस के रूप में भी पाया जाता है, जल वाष्प के रूप में, और ठोस रूप में भी ये पाया जाता है, बर्फ के रूप में। तो पृथ्वी पर एकमात्र ऐसी चीज या ऐसा पदार्थ है जो ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में उपलब्ध है। ठोस रूप में बर्फ के रूप में उपलब्ध है, द्रव रूप में पानी के रूप में उपलब्ध है, और जल वाष्प जो है वो गैसीय रूप में पृथ्वी की सतह पर उपलब्ध है। अब ये देखिए कि जल जो 1% है, इसी का उपयोग हम नहाने धोने, कपड़े धोने और विभिन्न उद्योगों में आदि में हम इसी का उपयोग करते हैं। इसके साथ साथ फसलों में सिंचाई के लिए या वनस्पतियों में या जीव जंतुओं को पानी उपलब्ध करवाने के लिए, वो सारा जो मामला है वो इस 1% पर ही डिपेंड करता है। जब इसका उपयोग निरंतर दुरुपयोग के रूप में किया जाएगा तो ये आने वाली पीढ़ियों के लिए धीरे 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 समाप्त होता जाएगा। और यही कारण हो रहा है कि जो भूमिगत जल स्तर है वो दिनों दिन नीचे की ओर, गहराई की ओर बैठता जा रहा है। जहाँ पर, जिन क्षेत्रों में आज से लगभग 20 से 25 सालों पहले 10 फीट 20 फीट गहराई पर पानी उपलब्ध था, आज वहाँ पर 100 से 150 फुट 200 फीट गहराई पर पानी उपलब्ध है। तो ऐसा होने का प्रमुख कारण है हमारे द्वारा इसका दुरुपयोग किया जाना। तो इसे, दुरुपयोग को रोककर और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें संरक्षित या सुरक्षित करना चाहिए। अब देखिए जो जल है वो शुद्धता और अशुद्धता के रूप में पृथ्वी पर उपलब्ध है। शुद्ध भी
और अशुद्ध भी। तो जो शुद्ध जल है, शुद्ध जल वो क्या है? अब हम जानना चाह रहे हैं कि शुद्ध जल क्या है। शुद्ध जल ऐसा जल होता है सामान्य रूप से जिसकी पीएच का मान 7 होता है, अर्थात ना तो ये अम्लीय होता है और ना क्षारीय होता है, बल्कि उदासीन उदासीन प्रकृति का जल होता है। ठीक है भाई, शुद्ध जल को जब आप पिएंगे ना तो वो अम्लीय भी नहीं होगा, क्षारीय भी नहीं होगा, उदासीन होगा। और हम ऐसे ही जल को शुद्ध जल कहेंगे। आपसे पूछा जाए कि शुद्ध जल किसे कहेंगे, कि ऐसा जल जिसकी पीएच का मान 7 होता हो। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो ये है कि शुद्ध जल में आंखों से दिखने वाले सूक्ष्म कण अनुपस्थित होना चाहिए। मतलब उसमें अगर कोई कणीय पदार्थ भी है, वनस्पति भी है, कोई सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया वायरस है, तो वो इतने महीन होने चाहिए कि हमें नग्न आंखों से, बिना लेंस वाली आंखों से वो हमें दिखाई नहीं देना चाहिए, तब हम उसे शुद्ध जल कहेंगे। अगर हमें उसमें दिखाई दे रहा है, हम नग्न आंखों से उसमें कचरा या अशुद्धियों को देख पा रहे हैं, तो फिर हम उस जल को शुद्ध जल की श्रेणी में नहीं रखेंगे। ठीक है, दूसरी एक और चीज, एक और पॉइंट देखो कि शुद्ध जल में विभिन्न लाभदायक जो सूक्ष्म जीव या वनस्पति है वो भी उपस्थित होना चाहिए। हमारे स्वास्थ्य के लिए कई सारे सूक्ष्म जीव और कई सारी वनस्पतियाँ लाभदायक भी होती हैं, तो वो अगर उसमें है तो वो उपस्थित होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम इतना फिल्टर कर दें कि उसमें से सारे ही जो हमारे लिए बॉडी के लिए आवश्यक है उन तत्वों को भी हटा दिया जाए। ठीक है, एक और चीज़ हम देखें कि शुद्धता का जो निर्धारण है, हम इस आधार पे भी कर रहे हैं कि उसमें जो ऑक्सीजन है घुलनशील, जल का सूत्र H2O है ना भाई, तो ये जो जल में घुलित ऑक्सीजन है वो पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। एक तो, और ये जनरली जो रेगुलर रनिंग करता हुआ जल होता है ना, उस रनिंग वाले जल में ऑक्सीजन का स्तर बढ़िया होता है, इसलिए कहते हैं कि बहता पानी शुद्ध होता है ना। तो शुद्ध इसलिए होता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का स्तर अच्छा होता है। और रुका हुआ कहीं पानी है, जैसे तालाबों का भरा हुआ पानी है, तो धीरे धीरे उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। अब जब एक लिमिट से कम मात्रा ऑक्सीजन की उसमें रह जाती है तो उस जल का हम उपयोग नहीं कर सकते हैं, या अगर हम उपयोग करते हैं तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। कुल मिलाकर ऐसे रुके हुए जल को जिसमें ऑक्सीजन का स्तर कम होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, उसे हम अशुद्ध जल कहते हैं, शुद्ध जल नहीं कह सकते हैं। तो अगला जो हम पॉइंट है वो यही याद रखना है आपको कि शुद्ध अगर जल है तो शुद्ध जल में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो एक अनुपातिक रूप में, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से सही है, वो होना चाहिए। और देखें हम कि शुद्ध जल हमारे शरीर के लिए लगभग 70-75% जल की आवश्यकता होती है, और वो हम शुद्ध जल के रूप में ग्रहण करते हैं। तो शुद्ध जल ही हमें ग्रहण करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अंदर जो शरीर की क्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शंस होती हैं, उनके लिए जल की आवश्यकता होती है। यह जल की उपस्थिति में ही जनरली हमारी बॉडी की सारी क्रियाएं संपन्न होती है, तो बड़ी मात्रा जल की आवश्यकता हमें होती है, परंतु ये जल शुद्ध होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को लगभग 8-10 गिलास पानी, शुद्ध जल रोजाना उपयोग में लेना चाहिए। अब शुद्ध जल जब हम उपयोग में लेते हैं ना, तो सारी क्रियाएं भी अच्छे से होती हैं, और शरीर से ये जो जल की मात्रा हम अधिक उपयोग में लेंगे तो पसीना अधिक उत्सर्जित होगा, और पसीने के माध्यम से विभिन्न हानिकारक रसायन, केमिकल शरीर से बाहर निकलते हैं। ऐसे रसायन, ऐसे पदार्थ जो बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमें रोगी बना सकते हैं, वे सब, उनमें से बहुत सारे पदार्थ पसीने के माध्यम से शरीर से बाहर निकलते हैं। और स्वास्थ्य की दृष्टि से ऐसा माना जाता है कि जिन व्यक्तियों में पसीना अधिक मात्रा में बनता है वे स्वास्थ्य में मजबूत होते हैं। कारण यही है क्योंकि पसीने के साथ कई हानिकारक
रसायन उनके शरीर से बाहर निकल जाते हैं। और जिन व्यक्तियों में पसीना कम बनता है ना, तो वो जो हानिकारक पदार्थ बॉडी में क्रियाओं के दौरान बने हैं वो बॉडी में ही बने रहते हैं और फिर वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो स्वास्थ्य को, शरीर को हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो पर्याप्त मात्रा में 8 से 10 गिलास हमें नियमित रूप से जल का उपयोग करना चाहिए। जब हम उपयोग करेंगे तो सारी क्रियाएं अच्छे से होंगी, पसीना ज़्यादा बनेगा, उस पसीने में अवशिष्ट बाहर निकलते हैं जिससे शरीर हमारा स्वस्थ रहता है। अब हम देखें दूषित जल। दूषित जल की अगर हम बात करें तो शुद्ध के विपरीत वो जल दूषित होगा, मतलब जिसकी पीएच का मान 7 नहीं हो, जिसमें हमें आंखों से सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया या हानिकारक पदार्थ दिखाई देते हो, जो रुका हुआ जल हो, जिसमें ऑक्सीजन का स्तर कम हो, है ना, जिसमें विभिन्न धूल के कण, मिट्टी आदि घुली हुई हो, ऐसे जल को हम दूषित जल कहेंगे। और जिसमें विभिन्न रोगाणु, शरीर को रोगी बनाने वाले कारक उपस्थित हों, उसे हम दूषित जल कहते हैं। ठीक है, दूषित जल का जब हम उपयोग कर लेते हैं, इस प्रकार के जल का जब हम पीने में उपयोग कर लेते हैं, तो कई रोग जैसे पीलिया, टाइफाइड, हैजा आदि रोग होने का ये कारण बन जाता है। दूषित जल का जब हम उपयोग करेंगे तो हैजा हो जाएगा, दूषित जल के उपयोग करेंगे तो टाइफाइड की संभावना बनती है, हेपेटाइटिस, पीलिया, ये रोग सारे दूषित जल से भी फैलते हैं। तो इसलिए हमें दूषित जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। दूषित जल में ऐसे ऐसे भी हानिकारक जो बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव या कृमि भी होते हैं, जिनसे हमें कई गंभीर बीमारियां, बड़ी बीमारियां भी हो सकती है। जैसे एक नाम सुना है आपने, ड्रैकन कूलस मेडिनेंसिस, एक जीव कृमि का नाम है, ड्रैकन कूलस मेडिनेंसिस, ये जो कृमि है, कीट है, ये जब हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाता है तो नारुबाला रोग हमें होता है। रोग का नाम है नारुबाला। अब होता क्या है इसमें कि जब दूषित जल का हम उपयोग करते हैं तो इस कृमि के अंडे होते हैं उसमें, रुके हुए पानी में सामान्य रूप से अंडे हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं, और जब ये आमाशय में पहुँचते हैं तो वहाँ इन अंडों से सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं, और उन जीवों में से नारू नामक एक लंबी सी जीव संरचना निकलती है, वो होती है नारुबाला। स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालती है। भोजन हम करते हैं तो भोजन के बाद जी मचलाना, उल्टियाँ होना, इस तरह की घटनाएं भी इसके प्रभाव से होती है। और जब ये जीव हमारी बॉडी में परिपक्व होता है, विकसित हो जाता है, तो ये अंडे देने के लिए शरीर से बाहर आने का प्रयास करता है। ठीक है, जब परिपक्व होता है, अंडे देने के लिए जब ये बाहर आता है तो सामान्य रूप से हाथ से या पैर वाले स्थान से बाहर निकलता है, ये चढ़ता हुआ बॉडी पर आता है और बॉडी पर एक छोटी सी उभार रूपी संरचना, गांठ या उभार पुंसी जिसे हम कह सकते हैं, वो बनाता है और उसमें से इसका मुंह बाहर निकलता है। व्यक्ति को इस स्थान पर, क्योंकि मांस को चीरता हुआ, फाड़ता हुआ या आगे बढ़ता है, उस स्थान पर काफ़ी तेज दर्द और जलन का आभास होता है। इससे बचाव के लिए, दर्द और जलन से बचाव के लिए व्यक्ति क्या करता है कि अपने हाथ या पैर को पानी में डाल के बैठता है। ठीक है, जब पानी में डाल के बैठता है ना, तो इस स्थान से वो कृमि पानी में निकल आता है, और पानी में जब ये आ जाता है तो पानी में अब ये कृमि सुरक्षित स्थान पर अंडे देता है, और वो अंडे पानी के माध्यम से दूसरे मनुष्यों में पहुंचते हैं। तो इसलिए खतरनाक किस्म की बीमारी है, और सरकार ने, राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने इसे रोकने के लिए समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम, प्रोग्राम चलाए हैं, और उसी के फलस्वरूप राजस्थान में सन 2000 के बाद कोई भी नारू रोगी नहीं पाया गया, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट चलाए हैं सरकार ने इसको फैलने से रोकने के लिए कि नारू रोगी बताइए और उचित इनाम पाइए। कोई अगर बता भी देता था कि भाई इस व्यक्ति को नारू है
तो हॉस्पिटल की टीम, मेडिकल टीम उसे अपने अनुसार उसका ट्रीटमेंट करते थे और बताने वाले को इनाम दिया जाता था। तो उन प्रयासों के फलस्वरूप राजस्थान में सन 2000 के बाद कोई भी नारू रोगी नहीं पाया गया है। तो नारू रोग के रोगजनक का नाम आपको याद रखना है अच्छे से, ड्रेकन पुलस मेडिनेंसिस नामक कृमि होता है। इससे खतरनाक किस्म का रोग नारू रोग फैलता है। ठीक है, तो ये जल के बारे में हमने पढ़ा है। जल का स्वास्थ्य पर लाभ भी पढ़ लिए हैं इसमें, और हानियां, दूषित जल से क्या हानियां होती हैं वो भी हम इसमें देख चुके हैं। एक और टॉपिक है, वो है स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मोटापा, ओबिसिटी, मोटापा। अब मोटापा क्या है? मोटापे को साइंस की दृष्टि से हम नापते हैं बीएमआई। बीएमआई एक पैमाना है, एक मानक है, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स, या हिंदी में हम कह सकते हैं बॉडी मास इंडेक्स, हिंदी में मोटापा मापी यंत्र, मतलब सूचकांक है ये, जिसमें एक टेबल के अकॉर्डिंग मोटापे को लंबाई की तुलना में मापा जाता है बॉडी मास इंडेक्स में। इसमें क्या होता है कि यदि व्यक्ति का वजन 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर है तो उसे मोटापे की पूर्व अवस्था माना जाता है, और यदि व्यक्ति का वजन 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर या इससे अधिक है तो उसे मोटापा से ग्रसित माना जाता है। ठीक है, तो बॉडी मास इंडेक्स ये आपको याद रखना है। व्यक्तियों में मोटापे को किससे मापते हैं? बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स से मापा जाता है, और इसके अनुसार यदि व्यक्ति का वजन 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर है तो उसे मोटापे की पूर्व अवस्था मानेंगे, और 30 किलोग्राम या इससे अधिक है तो उसे मोटापे से ग्रसित मानते हैं। ठीक है, मतलब लंबाई के अनुपात में वजन व्यक्ति का होना चाहिए। अब क्या होता है कि जब व्यक्ति एक लिमिट से मात्रा भोजन करता है, लिमिट से अधिक मात्रा में भोजन करता है, शारीरिक रूप से वर्क नहीं करता है, मेहनत नहीं करता है, पैदल नहीं चलता है, या ज़्यादा वसीय तेल से निर्मित भोजनों का, फास्ट फूड जो मार्केट में वर्तमान में उपलब्ध होते हैं उनका अधिक मात्रा में उपयोग करता है, तो एक्स्ट्रा जो फैट बॉडी में एकत्रित हो जाती है, कलेक्ट हो जाती है, वो एक्स्ट्रा फैट ही मोटापे का कारण बनती है। और ऐसी वसा व्यक्ति में शरीर के कुछ हिस्सों में जमा हो जाती है और वो भाग शरीर के फूलने लग जाते हैं, इसे ही हम मोटापा कहते हैं। तो मोटापा इन कारणों से होता है। यदि हम जो भोजन कर रहे हैं, जो पोषक पदार्थ ले रहे हैं, यदि उससे जो एनर्जी, जो कैलोरी हमने प्राप्त की है उसकी खपत बॉडी नहीं कर पाती है, हमें इतना वर्क करना चाहिए कि जो भोजन कर रहे हैं उसको डाइजेस्ट सही से कर सकें। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो एक्स्ट्रा जो फैट है वो शरीर के हिस्सों में, कमर के आसपास, पेट पर जमा हो जाती है और व्यक्ति आकार से फूलने लग जाता है, वही मोटापा होता है। मोटापा जब बढ़ जाता है तो स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव व्यक्ति के पड़ने लग जाता है। मोटापे से कई हानिकारक बीमारियां जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, अनिद्रा आदि व्यक्तियों में हो जाती है। व्यक्ति सो नहीं पाता है ठीक प्रकार से, व्यक्ति अनिद्रा से ग्रसित हो जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम आने लग जाती है, ब्लड प्रेशर जो रुधिर दाब है वो अनियमित हो जाता है, जो होना चाहिए उससे डिस्टर्ब हो जाता है। इसी प्रकार जो मधुमेह या डायबिटीज और विभिन्न बीमारियों से वो व्यक्ति ग्रसित हो जाता है। तो मोटापा बीमारियों का एक बड़ा कारण माना जाता है। ठीक है, तो विभिन्न बीमारियां जो मैंने नाम बताया वो आपको याद रखना है। मोटापे से ग्रसित व्यक्तियों में इन बीमारियों के फैलने की, होने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। अगली बात हम करें कि यदि व्यक्ति मोटापे से कैसे बच सकता है, तो बचने के लिए यही है कि
ज़्यादा भोजन जो वसीय भोजन है उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। भोजन करने के पश्चात हाथों हाथ हमें सोना नहीं चाहिए बल्कि कुछ समय टहलना चाहिए, लगभग आधा घंटा तक हमें पैदल चलना चाहिए, है ना। और शरीर में जो हमने ऊर्जा प्राप्त की है उसकी खपत के अनुपात में हमें दिन में वर्क करना चाहिए। तो इस तरह से, और तेलिए या जो मसाले युक्त भोजन है ज़्यादा मसालेदार, इनका कम से कम या लिमिटेड मात्रा में उपयोग करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक ज़्यादा मात्रा में भोजन नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों को कंट्रोल करके और हम मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मोटापा और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ एक टॉपिक था, उससे हानिकारक प्रभाव, कौन कौन से रोग हो सकते हैं और कैसे मोटापे को कंट्रोल किया जा सकता है, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। धन्यवाद।